हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आज मैं व्रत की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी और हेल्दी टिक्की लेकर आई हूँ, साबूदाना की टिक्की। इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो धनिया है उसको मैंने ले लिया है और उसको मैंने बारीक काट लिया है। धनिया को मैंने बारीक काटा है और साथ ही मैंने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को भी मैंने आधा हरी मिर्ची लेकर के उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैं गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ या फिर मैं इसको जब मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें भी यूज़ कर सकती हूँ। देखते हैं अभी कहाँ यूज़ होती है। मैंने अभी इसे काट के रख लिया है। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं मीडियम। साबूदाना जो है वो लिया है मैंने। इसको साबूदाना को मैंने रात को भिगो के रख दिया था। ये 1 कटोरी के करीब साबूदाना है और साथ ही मैंने यहाँ पर जो बॉईल करे हुए आलू हैं उनको मैं इसमें एक एक करके अच्छे से मैश कर लूँगी। सभी आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। ये देखिए ये आलू भी मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है। सारे आलू को अच्छे से इसमें हम मैश कर लेंगे साबूदाना के साथ। और यहाँ पे मैश करने के बाद ये देखिए मैश हो गए हैं ये। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे जो मैंने धनिया की पत्ती जो काटी थी वो और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो मैंने यहाँ डाल दी है। आधा इंच के करीब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, उसको भी मैंने घिया कस करके डाल दिया है। जीरा लिया है आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार लें आप, मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, काली मिर्च मैंने ली है आधा छोटा चम्मच के करीब। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जितने भी आलू और हमारे जितने भी मसाले हैं उसको मैं जो हमारा साबूदाना है उसके अंदर अच्छे से मिला करके मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मिला लिया है इसे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे टिक्की। टिक्की बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा तेल जो है हम अपने दोनों हाथों पे लगा लेंगे और बहुत थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और उसको हम इस तरह से गोल घुमाते हुए इसका एक टिक्की की शेप दे देंगे। ये देखिए किस तरह से हमारी जो टिक्की की शेप है वो हमने दे दी है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं या इस तरह से गोल बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिक्की में बीच में होल कर दिया है जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से हमने इसको बना लिया है। ये हमने टिक्की बनाई है। आप इसे चाहें तो इसको वड़े भी कह सकते हैं क्योंकि हमने बीच में इसे होल किया है। तो ये देखिए हमारे ऐसे बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम अपनी बाकी बची हुई टिक्कियां जो हैं उनको भी हम बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने सारी टिक्कियां जो है वो बना ली हैं और इसको मैंने आधा से 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, जिससे कि ये फ्रिज में रखने से हमारी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी बनकर आई हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है पैन में। पैन में ऑयल लेने के बाद मैं एक एक करके सभी जो टिक्कियां हैं उनको इस तरह से थोड़े थोड़े दूर पे डाल दूंगी। ये देखिए किस तरह से मैं एक एक टिक्की जो है उसको छोड़ रही हूँ ऑयल के अंदर, तेल के अंदर। इस तरह से जितनी टिक्कियां आएंगी उतनी मैं अपने पैन में डाल लूँगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर इसे बनाऊँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बीच में हाई फ्लेम भी करती जाऊँगी बीच बीच में। ये हमारी साबूदाना की टिक्की है तो इसकी जो हमारी फ्लेम जो हम रखेंगे गैस की वो हम बिल्कुल स्लो नहीं रखेंगे। अगर स्लो रखेंगे तो ये हमारी बिल्कुल ही चिपक भी जाएगी और फिर हमारे पैन में भी चिपक जाएगी और ये इतनी अच्छी क्रिस्पी करारी नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे बनाएंगे। ये देखिए एक तरफ से जब हो जाए तभी इसको आप हिलाएं, नहीं तो ये जो है वो सारी की सारी चिपक जाएगी और ये सब ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे कि अगर ये हमारी पैन छोड़ रही है तभी हम इसे हिलाएंगे, अदरवाइज़ इसे हम थोड़ी देर इसे और बनाएंगे। अभी ये थोड़ी सी नीचे चिपक रही है तो मैंने थोड़ी देर इसे और बना लिया है। अब देखिए ये जो है हमारी पैन छोड़ चुकी है, आराम से ये मूव कर रही है, आराम से ये हम इसे पलट पा रहे हैं। तो अब हमने इस तरह से इसे पलट दिया है
और बाकी भी बची हुई हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर ये पैन छोड़ चुकी है बाकी बची हुई, तभी हम इसको भी पलटेंगे। तो अभी 1 से 2 मिनट इसे हम रखेंगे। बाकी जो हमारी हैं टिक्कियाँ, वो अभी नीचे से थोड़ी सी कच्ची हैं, तो थोड़ी देर इसे और बना लेंगे हम। ये देखिए अब हमारी नीचे से पूरी हो गई है, पैन छोड़ दिया है। बहुत आराम से इसको धीरे से पलट देंगे। सभी टिक्कियाँ हमने जो हैं पलट दी हैं, और दूसरी तरफ से भी हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे, जिससे कि दोनों तरफ से अच्छी सी ये सिक जाएंगी। जब ये दोनों तरफ से सिक जाएंगी, आप एक बार इसे चेक कर लेना कि अगर ये दोनों तरफ से अच्छे से हो गई है, तभी इसको आप पैन में से निकालिए। हमारी जो है दोनों तरफ से हो गई हैं, अब इसको हम पैन में से निकाल रहे हैं। ये देखिए किस तरह से हम इसको जालीदार छन्नी से हम निकाल रहे हैं। इसे ये आसानी से निकल भी जाती है, और इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आपकी कढ़ाई में ही रह जाता है। ये देखिए किस तरह से ये निकल के आ गई हैं। ये जो बची हुई है इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये वाली भी मैंने निकाल ली है बाहर तेल से। ये देखिए ये भी निकाल ली मैंने। अब हमारी जो बाकी बची हुई टिक्कियाँ हैं, उनको भी हम डाल करके तेल में एक बार निकाल लेंगे। ये देखिए सारी हमारी बन करके आ गई हैं, बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन कर आई हैं ये। अगर आप देखें तो इनको देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारी हैं ये। तो अब हम चलते हैं इन्हें सर्व करने के लिए। ये देखिए सारी हमारी बन गई हैं, इसको हम इस तरह से सर्व करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे बीच में ली है चटनी, ये हमने मूंगफली की चटनी ली है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी करारी साबूदाना टिक्की, या इसको आप साबूदाना के वड़े भी कह सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे बनकर आए हैं। और इसको हम मूंगफली की चटनी के साथ खाएंगे। मूंगफली की चटनी इसमें लगा करके हम इसे एंजॉय करेंगे, इसको खाएंगे व्रत में। बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट और पेट भर देने वाली रेसिपी है ये। इसको खा करके 1 से 2 खा लेंगे आप तो आपका पेट भर जाएगा। ये अच्छी हैवी होती हैं। और साथ ही ये देखिए आप इसको चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए।